ऑल राइट, सो हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक नया दिन, एक नई राइड, और आज की राइड हो रही है लोहगढ़ पे, जो लोनावला में। और लोहगढ़ मानसून में बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, मतलब उसका व्यू इतना मस्त रहता है ना लोहगढ़ का। इसके लिए मैंने मानसून राइड के अंदर उसको भी इन्वॉल्व कर लिया और बोला वहाँ लोहगढ़ पर भी जाना पड़ेगा। तो आज हम लोग लोहगढ़ ही जाने वाले, तो सब उधर का ही सिनेमैटिक, सब ब्लॉगिंग वगैरह सब उधर का ही रहेगा। सो ब्लॉग में बने रहो और ब्लॉग को एंजॉय करो। ऑल राइट, सो निकल गए अभी हम। अभी हमारे हमेशा के मैकडी मीटअप पॉइंट के उधर, वहाँ पे एक भाई रुके सागर करके, प्रतीक, जो हमारे साथ लास्ट मार्शल राइड में भी थे। और कौन कौन आता देखते उधर जाके मालूम पड़ेगा। और आज एकदम टाइम में, वो 7:30 का टाइम दिया था, 7:07 में मैं जा रहा हूँ, मतलब आज के राइड में मैं जल्दी जा रहा हूँ। सो चलो आज देखते हैं आज क्या नया एक्सप्लोर करने मिलता है, क्या नया नया हमको फोटोशूट सिनेमेटिक क्या क्या नया करने मिलता है। वैसे आज लग तो नहीं रहा है कि आज बारिश होगी, क्योंकि पूरा क्लियर वेदर है। बट लास्ट टाइम भी यही हुआ था मार्शल में, हम लोग ने सोचा था बारिश नहीं होगी, पूरे राइड में बारिश नहीं हुई। और जब हम रिटर्न आ रहे थे तो अब जो बारिश मिली भाई, कसम से जो भिगा दिया ना वो बारिश ने, मतलब गंदी वाली हालत हो गई थी तब हमारी। गाइस मेरे को नहीं पता आप लोगों को सामने का व्यू कितना क्लियरली दिख रहा होगा कैमरा में, बट सामने का व्यू देखो, पूरे पहाड़ को बादलों ने घेरा हुआ है और नीचे से पूरा फॉग है, और बीच में एक बादल की लाइन देखो, वो वाली लाइन, नीचे से सब फॉग आ रहा है हल्का हल्का हल्का, और उसके ऊपर बादल। ऐसा कुछ सीन देखेगा ऐसा लगता है कभी कभी ट्रेकिंग भी करनी चाहिए, बट फिर वो थोड़ा हम हमारे इमोशंस पे कंट्रोल कर लेते क्योंकि हम बाइकर ही अच्छे हैं। ट्रेकिंग करने में बहुत हालत हो जाती है, क्योंकि मैं पहले एक दो बार गया हूँ ट्रेक करने के लिए, बट बाकी जो हालत होती है ना, हाँ मज़ा आता है बट मस्त हालत भी होती है। खोपोली आ गए है, पता भी नहीं चला कब खोपोली आ गई, मतलब बस चला रहे कि एरोप्लेन चला रहे। पूरा फॉग आ गया देखो आजू बाजू में हमारे, मस्त। कम बारिश नहीं मिल रही है पर कम से कम फॉग तो मिल रही है, और 8 बजे भी इतना फॉग है देखो, बहुत फॉग का मजा ले लिया। अभी निकलते सीधा, मौसम ने एकदम से अपना रुख बदल लिया है, शायद उसने मेरा सुन लिया है। अभी बोल रहा था धूप धूप नहीं है और अभी मस्त छाव आ गई है, होप सो थोड़ी सी हल्की पुल्की बारिश हो जाए तो थोड़ा राइड में और अच्छा लगेगा, एकदम भी सूखी सूखी राइड नहीं चाहिए ना भाई। कम से कम 4-5 साल पहले आया था मैं लोहगढ़ में, उसके बाद आया ही नहीं। यही रोड है ना लोहगढ़ के लिए, यही है आई गेस। पूछ लो क्या दादा, लोहगढ़ ला रोड सरल है ना? कभी भी मार्शल राइड से तो मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया भाई, पता नहीं होगा ना 10 लोग को पूछो चलेगा, गूगल मैप के भरोसे मत जाओ। ओ वो देखो सामने लोहगढ़, आई गेस वही है। मेरी याददाश्त कमज़ोर हो रही है ऐसा लग रहा है मेरे को। ओहो, ऐसे ब्रिज देखो तो सीधा गोवा की याद आती है। ए तो अभी हमें करना है फाटक क्रॉस, और ये कब खुलेगा मालूम नहीं है।
जितना मेरे को याद है इधर जाने के लिए शायद एक कूपन वगैरह भी लेना पड़ता है, मतलब पहले जब मैं गया था तब तो लेना पड़ा था, अभी क्या हिसाब है कैसा है हमें नहीं पता, मगर पता चल जाएगा तो वीडियो में बने रहे। इधर से चढ़ के आते थे मगर नसीब अब रास्ता बना है उधर, बट रास्ता बहुत अच्छा भी नहीं है और एकदम भी ख़राब नहीं है, क्योंकि बीच बीच में अच्छा है और बीच बीच में है ही नहीं। इधर एक बार ऐसा सीन हुआ था, क्योंकि जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे तब हम लोग स्कूटी पे आए थे और वो टर्न के टाइम, ये टर्न था क्या, कोई तो टर्न था शायद, अभी रास्ते का काम भी हो गया इधर, तब रास्ता एकदम ही ख़राब था और हम लोग डबल डबल सीट सब लोग आए थे, बाइक स्कूटी चढ़ ही नहीं रही थी हमारे ऊपर, लिटरली मतलब धक्का देकर हम लोग ने ऊपर उसको ये किया। और क्या टर्न है भाई, ये इसको बोलते हैं टर्न, जगह पे टर्न एकदम। इधर जाना है शायद, हाँ वही लोहागढ़ है। इसी प्रकार हम आ चुके हैं, पूरा बंद है इधर तो, पूरा फाग, गढ़ भी बंद है। बंद है कधीपर्यंत बंद आहे काय नाही पोपट, आणि ते बाजूला ते कोणतं गड आहे तिकडनं, इकडनं कुठं रस्ता आहे का तिकडं यायला, बुरू देतो म्हणजे इकडनं रोड आहे का जायला, तो पण बंद आहे का। अरे यार क्या गंदा पोपट हो गया, इतनी मेहनत से आए और बंद है। ऑलराइट, सो प्लान में भी थोड़ा चेंज हो गया, लोहगढ़ के लिए आए थे, लोहगढ़ बंद है इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं विसापुर, तो वो चालू है तो उधर जा सकते, तो इतना तो ऐसा हालत होने वाली है क्योंकि इतना सब सामान पीछे, बैग हेलमेट वेलमेट ये सब जैकेट डाल के सब ट्रैक टाइप करना पड़ने वाला है, तो देखते हैं अभी क्या क्या होता है। वैसे चांसेस तो कम है कि हम लोग पूरा चढ़ेंगे, बट ट्राई करेंगे क्योंकि ये दोनों की ऑलरेडी हालत ख़राब है। चलो देखते हैं क्या क्या आज नया एक्सपीरियंस करने मिलता है, बोल तो पूरा सब एकदम सरप्राइज होता है जब हम लोग राइड के हिसाब से तो अभी ट्रेक कर रहे हैं। सो चलो सब डाल के चल रहा हूँ इसके लिए हालत हो रही है, बाकी कुछ नहीं, पहले ही अपना वेट, ऊपर से शूज जैकेट विकेट ये सब पूरी हालत हो गई, स्टिल देखेंगे कितना कितना कवर कर रहे हैं, बट करेंगे जरूर। तो
जरूरत नहीं भावा प्रॉपर ट्रैकिंग चलो रिटर्न वर्ती किती आहे दादा अरे A few moments later. All right. So, बहुत हालत हो रही है अभी इतना सब लेके चढ़ने में. इसके लिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि नीचे ही उतर रहे आधा ही किया हमने बट इनफ था. रायगढ़ इससे घूम कर सो फाइनली आ गए हम लोग नीचे. बहुत गंदी वाली हालत हो रही थी यार इतना वेट सब लेके ऊपर से ना पानी ना कुछ बट मज़ा आई. थोड़ा बोलते ना जब कोई प्लान नहीं होता ना तब ज़्यादा मज़ा आती है ये सब करने में. और वो दोनों की हालत तो इतनी गंदी हो गई है कि वो दोनों को भी नहीं जाना था. उनको पता था कि हम नहीं चढ़ पाएंगे फिर भी चढ़ना पड़ा उनको मेरे वजह से. और मज़ा आई बाकी कुछ नहीं. ऑल राइट सो आज के ब्लॉग को एंड करने का वक्त आ गया. राइड और ट्रैक दोनों करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया. हालत भी ख़राब हो गई दोनों सबकी मतलब सबकी हालत ख़राब हो गई है और अभी भी हमको घर जाना है. तो दैट्स इट गाइस. आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा. और आप लोगों को अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो इस ब्लॉग को लाइक करो शेयर करो कमेंट करो. और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना. टिल देन दिस इज सेवल साइनिंग ऑफ.